पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि महानगर की बैठक का आयोजन ओम भवन में किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में राकेश जैन, राष्ट्रीय सह संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा उद्बोधन किया गया और कहा गया कि सभी का प्रयास यही रहे कि पॉलिथीन रूपी राक्षस से जल, जंगल, जमीन, जीव जन को बचाना है। घरों में प्लास्टिक की बोतलों में पॉलिथीन भरकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित कर इको ब्रिक बनाएं और उसका प्रयोग पौधे की क्यारी बनाने का प्रयास करें। घर का पानी घर में ही संरक्षित करके घर का कचरा तीन भागों में बांटकर गीला कचरे का घर में ही खाद बनाएं। इस दौरान डॉक्टर विजय प्रकाश विभाग संयोजक, प्रकाश शास्त्री विभाग संचालक, डॉक्टर विनीत गुप्ता महानगर संचालक, संजीव चौधरी एडवोकेट महानगर प्रचार प्रमुख, डॉक्टर राजीव सैनी संयोजक पर्यावरण महानगर, मदन पाल एडवोकेट सह संयोजक महानगर, अमित कुमार सिंह एडवोकेट महानगर भाग संयोजक, विपिन गुप्ता भाग संयोजक पर्यावरण, राकेश गोस्वामी कचरा प्रबंधक महानगर, वतन जी जिला प्रचारक, रवि सैनी एनजीओ प्रमुख, गौरव सक्सेना जल उपक्रम प्रमुख आदि के साथ और भी लोग बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान बैठक का संचालन धवल दीक्षित के द्वारा किया गया। चूंकि पेड़ ही बहुत बड़ी एक प्राण देने का साधन है, जैसा कि बताया कि वे दो तीन मिनट भी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, तो ये बहुत आवश्यक। तो जो जो लोगों ने काम किया वो मैंने आपके सामने बताया। दूसरा विषय पानी के बारे में, पानी के बारे में भी गुरु रहीम कवि तो बहुत पहले लिखकर गए, रहीमन पानी राखिए अगर क्या है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। मोती नहीं बन सकता, मनुष्य के अंदर 72% पानी है, समुद्र के अंदर भी 72% पानी है, मनुष्य का जीवन बिना पानी के संभव नहीं है। चून, चून माने आटा, रसोई बन सकती है क्या बिना पानी के? नहीं बन सकती। चावल, दाल, सब्जी संभव ही नहीं। भून तो सकते हैं आप चने, परंतु रसोई बननी है तो पानी जरूरी, अत्यंत आवश्यक। 15 अगस्त 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने भाषण में एक बात कही, आप पुराना भाषण ढूंढ लीजिए उनका। उन्होंने गुजरात के जैन संत की वाणी सुनाई, उन्होंने अपनी वो वाणी गुजराती में सुनाई, उसका हिंदी अनुवाद में सुनाया। उसका अर्थ ऐसा है कि यदि आप पानी की चिंता नहीं करोगे तो 100 साल बाद पानी किराने की दुकान पर बिकेगा। 100 साल पहले वो संत थे, तो 100 साल लगे क्या पानी को बिकने में? क्यों जी, पहले तो पानी बेचना बड़ा खराब मानते थे। दिल्ली में वो जो ऐसे ऐसे खींच कर वो पानी का गिलास देते थे 10 पैसे का, वो बड़ा खराब माना जाता था। हमने तो खैर 5 पैसे का भी बिकता हुआ देखा है, फिर बाद में वो 25 पैसा, 50 पैसा, अब तो शायद 1 रुपये से कम कहीं नहीं मिले। परंतु वो पानी बिकना चालू हो गया। ये बिस्लरी पानी कितने साल पहले भारत में आ गया मालूम है किसी को? कितने साल पहले आया? 25-30 साल हुए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।